अनिल भोजपुरिया आजमगढ़ से भरद्वाज यानी राजगुरु की उत्पत्ति बता रहा वाली आई जा भैया आल्हा के माध्यम से सुनी। जय सुहेलदेव। एक समय की बात है जा विस्पत के मन में संजोग उत्थान भाई की नारी ममता संग संभोग पहले से थी गर्भवती वह पीड़ा तनिक सहन ना हो रोने लगा गर्भ में बालक बृहस्पति बोले कुलपित हो अंधा हो यह तेरा बालक। घबराए लात मार कर गर्भ से बालक दिया है बाहर तीर्थ गिराए गिरा तीर्थ बृहस्पति का बाहर बालक रूप धरा पर आए किया नहीं स्वीकार किसी ने छोड़ के दोनों चले पराए देखे हैं जब वायुदेव जी। लगे हैं करने बालक को निज महल मिला बाल काल की देख के लीला हर्षित वायुदेव हो जाए रखे नाम भरद्वाज है उसका दूजा विथत नाम कहला यहाँ की गाथा यही छोड़ता। कैसे वंश हमारा राजा भरत रहे अब सोच किए है मारुति यज्ञ भरत तब पुत्र की चाहत रही विशेष वायुदेव बोले प्रसन्न हो मांग लो वर जो चाहो एक कथा सुनाए भरत है अपनी। भरत कैसे गोत्र भरो का यही कहा हुआ भरत से भरो का उद्भव आगे नाग वंश कहलाए सन 150 के लगभग शासन वीर सेन का सार हुआ विभाजन नाग वंश का। भाजन एक तीन खंड हो जाए डाक वंश एक भार शिव एक तीसरा जो यदि वंश कहा वंश भर शिव भरत से मिलता आगे राज भर जात कहा लिखा किताबों में यह सब है पी के भास्कर रहे बताए अपना भी इतिहास जान लो।